गफलत के घर में पड़ेगी बड़ी अगिन, पीछे 184 देह में जलसी रात और दिन, जलसी रात और दिन। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्रीनिजानंद स्वामी की।
श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। ए देखी अजाड़ी आँखा खोल के प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण, शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, मंगल बेला, मंगल जीवन, मंगल उपदेश, मंगल ज्ञान, मंगल वातावरण, सब मंगल ही मंगल। ऐसी घड़ी जीवन में उपस्थित होती है तो हमें भी मंगल कार्य करने की प्रेरणा मिलती है, क्योंकि सब कुछ अच्छा हो तो अच्छे अच्छे सोच ही आते हैं, अच्छे विचार, अच्छा ज्ञान, अच्छा भाव, अच्छी भक्ति, अच्छी तरह मेल मिलाप से रहना, क्योंकि अच्छाई से अच्छाई की वृद्धि होती है। और कहीं बुराई घुस गई तो बुराई से बुराई की वृद्धि होती है ना, बुराई बुराई की ओर चले जाते हैं, तो हमारी प्रवृत्ति किधर है, अच्छाई की ओर है कि बुराई की ओर है, हमें सोचना है। क्योंकि अच्छाई की ओर की प्रवृत्ति होगी तो हमें ही लाभ है, हम शांति से रहेंगे, संतोष से रहेंगे और सीमित में भी असीम का आनंद करके रहेंगे। और कहीं प्रवृत्ति बिगड़ गई तो हम ही दुखी रहेंगे, हम में ही असंतोष होगा, हम में ही अविवेक होगा और हम ही हमारे दुश्मन बन करके अपने साथ ही अन्याय करने लगेंगे। तो ये सब क्या है कि खुद खुद के दुश्मन, खुद खुद के मित्र, ऐसा कहते हैं ना। जैसे गीता के 6 अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा, आत्मैव आत्मनो बंधु रिपुरात्मैव आत्मनः, कहते हैं आप स्वयं आपके दुश्मन हैं और आप स्वयं आपके मित्र भी हैं, तो एक साथ हम ही हमारे दुश्मन हो जाएं, हम ही हमारे मित्र हो जाएं, ये कैसे संभव है। तो इसके लिए जरा सा हम लोग विचार करें तो कभी चलते चलते असावधानी से हम चले, थोड़ी सी असावधानी या जल्दीबाजी, कभी कभी जल्दीबाजी हम लोग मचाते हैं ना, तो चलने में थोड़ी सी जल्दीबाजी हमने की तो अपने ही पाँव से पाँव टकराता है, हम गिर जाते हैं, किसी ने धक्का भी नहीं दिया, कुछ हुआ भी नहीं, हमारा ही पाँव हमारे पाँव से टकरा गया और हम ही गिर गए, चोट लगी, तो हम ही हमारे दुश्मन हो गए ना। हमारी असावधानी के चलते, जल्दीबाजी के चलते हम ही हमारे दुश्मन हो गए। फिर चोट लगती है तो 10-15 दिन उसको ठीक होने में समय लगता है, तब तक हम पछताते रहते हैं कि असावधानी से क्यों चले। कभी कभी क्या होता है कि चलो अपने पाँव से पाँव नहीं टकराया, अपने कपड़े से पाँव नहीं टकराया, कहीं पत्थर से टकरा जाते हैं, वो भी असावधानी है, क्योंकि सामने राज जी ने आँखें दी है तो देख करके चलना चाहिए कि सही रास्ता है कि नहीं। बिन देखे चलेंगे तो कहीं पत्थर से भी टकरा जाते हैं, फिर चोट खाते हैं हम लोग, तब भी हम स्वयं अविवेक का प्रयोग करने से हम स्वयं हमारे दुश्मन हो गए। और कभी कभी खाने में इतनी जल्दीबाजी कर जाते हैं, भोजन सामने आया तो कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव होता है ना, जल्दी जल्दी खाओ, जल्दी जल्दी खाओ, फटाफट खाओ, ऐसा करके,
तो जल्दी जल्दी खाने में कहीं दांत से अपनी जीभ कट गई, कभी हो सकता है, कभी ऐसा भी हो सकता है हमारे दांतों से हमारी जीभ कट गई, तो कौन दुश्मन हुआ? हम ही हमारे दुश्मन हो गए ना। असावधानी, जल्दीबाजी, भागम भाग, दौड़ धूप। कभी बोलने में भी देखिए, बोलने में हमने जल्दीबाजी की तो कोई ना कोई हमारे मुख से गाली निकलेगी, या दुर्वचन कहते हैं ना, जो किसी को सहन नहीं होता, ऐसे वचन हमारे मुख से फट से निकले तो फिर हमको ही पछतावा होगा, क्यों ऐसा बोले, क्यों ऐसे शब्द मैंने मुख से निकाला। तो अपने को नियंत्रित करना, अपने को ठीक ठाक रखना। जैसे आप देखिए ना, हम लोग जल्दी से दोष दूसरे को देते हैं, कोई भी काम बिगड़ता है तो दोष हम दूसरे को जल्दी से थोप देते हैं, इसके कारण ये हुआ ऐसा करके। खुद दोषी बनना कोई नहीं चाहता। जैसे आप देखिए, खेल जगत में देखिए, खेलने वाले हारते हैं तो दूसरे मित्र को दोषी ठहराते हैं ना, इसके कारण ये सब हुआ। नेता लोग चुनाव में हारते हैं तो और नेताओं को, और प्रतिपक्ष को या जनता को दोषी ठहराते हैं। हमारी काबिलियत या हमारी प्रसिद्धि या जनसेवा की कमी के कारण हम हारे, ऐसा सोचना चाहिए ना कि हमने जनसेवा नहीं की इसीलिए जनता ने हमें हरा दिया। पर कहाँ सोचेंगे, नहीं सोचेंगे, जनता ऊपर ही थोप देंगे कि जनता को पहचान नहीं है ऐसा करके। तो ये सब क्या है कि जैसे दिया जलता है तो दिया बुझने से हवा को दोष देते हैं ना हम, हवा चलने से दिया बुझ गया ऐसा करके। पर कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि दिए में तेल हमने कम डाला हो, घी कम डाला हो, घी का दिया है या तेल का दिया है, या बाती को हमने ठीक से ना सजाया हो, तब भी तो दिया बुझता है, हवा नहीं है। पर क्या है कि ठीक से बाती को हमने सजा करके नहीं रखा है तो अपना भी दोष होता है। कभी क्या होता है कि कई कई बार क्या होता है कि पूर्ण ब्रह्मा शुरू करने से फिर पुजारी लोग वो आरती जलाने लगते हैं ना, पूरा पूर्ण ब्रह्म बोलने के बाद भी आरती पूरी नहीं जलती, इसका मतलब है कि बाती को उन्होंने ठीक से सजाया नहीं, ढंग से नहीं सजाया, जिसके चलते आरती का समय आ गया और बत्ती अभी जल नहीं रही है, प्रयास हो रहा है। तो ये सब क्या है कि अपना भी दोष होता है। इसलिए वाणी क्या सिखाती है कि परदोष दर्शन न करें, स्वदोष दर्शन करें, अपना जो दोष है उसको पहचानने की कोशिश करें और कल से वो दोष न हो मेरे से। औरों पे दोष थोपने से तो हम सदा सदा क्या है, दोषी करते रहेंगे। गलती हम करते हैं, दूसरों पे डाल देते हैं, आज भी करेंगे, कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे। परंतु स्वदोष दर्शन जिस दिन से होता है फिर किसी पे हम डालेंगे नहीं, मेरा ही दोष है, मेरी ही कमी है, इसलिए मुझे खुद को सुधारना है, खुद ठीक ठाक हमें रहना है, बाकी और सब ठीक है, मुझे ठीक होकर के रहना है। ऐसी अंतरात्मा को जगाने वाली बात, अंतर मन और अंतर विचार को जगाने वाली बातें वाणी में श्री जी ने हमें बताया है, ये ज्ञान श्री जी ने दिया है। तो हम लोग कई दिनों से ये जीव देह संवाद करके, जीवात्मा और शरीर के बीच एक संवाद चल रहा है कि शरीर क्या है, शरीर का अर्थ क्या है, वो जीव समझा रहा है। फिर दूसरा प्रकरण शुरू हो जाएगा तो शरीर जीव को समझाता है, शरीर तो खुद नहीं बोलता है, बोलता तो जीव ही है। पर श्री जी ने एक प्रकार से ऐसी प्रस्तुति हमारे समक्ष रखी कि आसानी से बात समझ आ जाए। जैसे पंचतंत्र कथा मुखम करके संस्कृत में एक किताब है ना, वो
क्या है कि संस्कृत साहित्य में बच्चों को पढ़ाया जाता है शुरू में, उसमें इतनी सारी कथाएं हैं कि जंतुओं को भी बोलते हुए दिखाया है, कभी शेर बोल रहा है, कभी गधा बोल रहा है, कभी गाय बोल रही है, कभी जानवर बोल रहे हैं। वो तो बोलते नहीं है, परंतु उस ढंग से पाठ पढ़ाने से बच्चों को समझने में आसान होता है, आसानी से बच्चे समझ सकते हैं उसको। तो ऐसे ही देह तो नहीं बोलता बिना जीभ के, जीभ ही जीभ बोल रहा है, जीभ निकल जाए तो देह का कोई अर्थ भी नहीं है, मूल्य भी नहीं है। तो क्या है कि श्री जी ने देह भी बोल रहा है, ऐसा करके शरीर के विचार को उन्होंने वाणी के रूप में व्यक्त किया। तो यही प्रकरण चल रहा है। ये देखी अजाड़ी आँखा खोल के, श्री जी महाराज कहते हैं कि मैंने आँख खोल करके देखा, शरीर को परखा, शरीर की पहचान मैंने कर ली। क्योंकि बहुतों को अपने शरीर का ही पता नहीं होता है कि शरीर कितना मूल्यवान है। देखिए हमारे जो दांत है ना, ये कितने मूल्यवान हैं पहले पता नहीं लगता है। जब दांत उखड़ने लगते हैं तब लगता है, ओहो कितने मूल्यवान दांत हमें परमात्मा ने पैदा कर दिया था कि जिससे हम आसानी से चबा चबा करके खा सकते थे। ऐसे आँख कितने मूल्यवान हैं, वो भी जब हम लोग चश्मा लगाने लगते हैं, जब आँखों में देखने की क्षमता कम हो जाने लगती है, तब आँखों का मूल्य भी हम लोग समझते हैं। इसी तरह से कान का मूल्य है, इंद्रियों का मूल्य है, हर शरीर मूल्यवान है। अमूल्य इस शरीर को कहते हैं ना, अमूल्य अमूल्य। जैसे इसके लिए उदाहरण दिया जाता है कि एक समय एक भिखारी राजा के पास पहुंचा। राजा बड़ा ज्ञानी था, तो भिखारी कुछ भिक्षा मांगने लगा। तो राजा ने कहा कि ठीक है, तुम्हें भिक्षा दे दिया जाएगा, पर तुम्हारे पास दो आँखें हैं ना, एक आँख हमको निकाल के दे दो, हम भिक्षा जो चाहो, 1,000 2,000 जो चाहो हम तुमको दे देंगे। तो भिखारी बोला कि आँख तो हम नहीं दे सकते हैं, भले आप भिक्षा मत दीजिए, हम आँख नहीं दे सकते हैं। तो बोला कि एक कान दे दे, फिर तलवार से काट करके कान ही हमें दे दे, तुम्हें हम पैसा दे देंगे। उसके लिए भी तैयार नहीं हुआ। फिर कहा कि नाक काट के दे दे, तब भी वो तैयार नहीं हुआ, नहीं नहीं ऐसे तो हम काम नहीं करेंगे। एक हाथ दे दे, फिर एक पांव दे दे। राजा बोलता रहा, भिखारी भी ना ना करता है, महाराज भिक्षा मत दीजिए, मुझे जाने दीजिए यहाँ से, हम ये हाथ कटाने वाला, पांव कटाने वाला, आँख निकाल के देने वाला कार्य हम नहीं करेंगे। राजा ने कहा एक एक अंग का हम 1,00,000 देंगे, एक अंग कोई भी काट के दो, 1,00,000 तुमको दिया जाएगा, जीवन भर बैठे बैठे तुम खाते रहो। तब भी भिखारी तैयार नहीं हुआ। तो राजा ने उस समय, राजा ज्ञानी था, उसने कहा जब तुम्हारे पास लाखों के अंग हैं, 1,00,000 की कीमत मैं 1,00,000 देने को तैयार हूँ, फिर भी तुम नहीं देते हो, तो लाखों की संपत्ति तुम्हारे पास है ना, अंग इंद्रिय रूपी संपत्ति, फिर भी क्यों मांगते हो, भीख मांग करके क्यों इन अंगों का दुरुपयोग करते हो। तब बात भिखारी को समझ आई और भीख मांगने की प्रवृत्ति छोड़ करके कर्म जगत में वो चला जाता है। तो ये तो एक उदाहरण है, संत गुरुजन ऐसे उदाहरण इसलिए देते हैं कि हमारे पास जो इंद्रियां हैं, इनसे कितना कुछ हम काम कर सकते हैं और कितने ये दुर्लभ चीज़ हैं। कितना ही कोई इसके कीमत लगा लो कोई भी, फिर भी ऐसे अंग इंद्रिय हम दोबारा पा नहीं सकते। इसीलिए थोड़ा आँख खोल करके देखें, मतलब विचार से देखें। या कि तो उल्टी सनंद, परंतु इन इंद्रियों से उल्टा उल्टा कार्य हो, शरीर उल्टी दिशा में चलने लगे। जब कभी कभी क्या होता है कि लोग दांतों का प्रयोग क्या करते हैं, कील निकालने में, कांटा कील कहीं हो है ना,
तो दांत से कई लोग निकालते हैं ना, और बहुत कठिन से कठिन कोई चीज़ है उसको भी दांत से लोग तोड़ते हैं, तो दांत का दुरुपयोग हो गया। दांत तो केवल मुलायम खाना पचाने के लिए है ना, जो आप खाते हैं पका हुआ या फल भी पका हुआ है उसको चबाने के लिए दांत दिए गए हैं। ऐसे कोई लकड़ी चबाने के लिए या सुपारी चबाने के लिए या कठिन से कठिन चीज़ चबाने के लिए आपको दांत नहीं मिले हैं। दांत तो खाया हुआ जो चीज़ है उसको पचाने के लिए आपको मिले हुए हैं, तो दांतों का दुरुपयोग हो जाता है। आँखों का दुरुपयोग हो जाता है फिल्म देखने में, दिन भर फिल्म देखते रहे तो इसलिए आजकल के छोटे बच्चों को समझाना पड़ता है ना कि बच्चे ये मोबाइल में कुछ ना कुछ नक्शा देखते रहते हैं, कार्टून वगैरह या पिक्चर देखते रहते हैं टीवी में, उनको समझाना पड़ता है आँख खराब होगी आँख खराब होगी, ऐसा करके उनको समझाना पड़ता है। तो क्या है कि दुरुपयोग शुरू से हो जाता है, इंद्रियों का सब चीज़ का दुरुपयोग हो जाता है। इसलिए श्री जी कहते हैं आँख खोल करके देखो, कुछ सोचो कुछ विचार करो, और उल्टी दिशा में इनको जाने मत दो, इसका गलत प्रयोग न हो जाए। सही सही प्रयोग हो तो ठीक है, पर उल्टा प्रयोग हो गया तो यही नुकसान भी करने वाले सिद्ध हो सकते हैं। ए मोड़ा लगावे मीठड़ा, फिर क्या है इंद्रियों का जो मोह होता है ना, इंद्रियों का इंद्रियों की कार्यशैली कीजिए कहिए तो बड़ा मीठा लगता है। कोई भी चीज़ संसार में पहले मीठा लगता है, परंतु परिणाम देखते हैं तो वो भी दोषपूर्ण होता है। आज मीठा लगा, आज खाए कल खाए, जैसे मिठाई है रोज़ मिल रहा है रोज़ खा रहे हैं तो उससे तो कोई ना कोई बीमारी निकलेगी, फिर बीमारी पैदा होगी। मिर्च मसाला खूब फास्ट फूड ज़ोर ज़ोर से खा रहे हैं, कल कोई ना कोई बीमारी लग जाती है। इसलिए खाने में मीठा लगता है स्वाद आ रहा है, परंतु स्वाद आ रहा है करके ध्यान आपने कम दिया तो फिर आप पछताओगे बाद में जा करके, पीछे पड़िए बड़े फंद, बाद में फंदों में पड़ जाओगे, बंधन में बंध जाओगे, दुरुपयोग होगा। देखिए मैंने वो बॉडी बिल्डर होते हैं ना, कुश्ती लड़ने वाले चैम्पियन होते हैं ना, ऐसे लोग एक दो लोग मेरे को मिले, तो जब तक शरीर ठीक ठाक है कुश्ती लड़ते रहे, शरीर के मसल जो होते हैं वो मसल को भी बहुत बहुत वो लोग क्या करते हैं कड़क बना करके दिखाते हैं ना प्रदर्शन। कभी कभी आप देखिए कि कोई सर्कस में आप जाइए तो सर्कस में वो लोग आ जाते हैं मसल दिखाने वाले, खूब पहलवानी दिखाते हैं। बाद में जब बूढ़े हो जाएंगे तो कसरत नहीं हो पाता इतना, तो सारे मसल इतने कष्ट उनको देते हैं गांठ गांठ हो करके, क्योंकि यहीं कालिम्पोंग में एक पहलवान जी थे वो सर्कस में पहलवानी दिखाते थे। बाद में बीमार पड़े तो हम देखने के लिए गए तो सब मसल में गांठ 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 इतना उनका हो गया था कि चलना ही मुश्किल हो गया। पहले तो उसी की प्रदर्शनी बना करके पैसा कमाते रहे, बाद में उनको ही ठीक ठाक रखने के लिए दवाई इलाज में सब पैसा चला जा रहा है। इसलिए हर चीज़ को संभल संभल करके सोच सोच करके शरीर का प्रयोग करना चाहिए। शरीर है ऐसा करके शरीर को प्रदर्शनी नहीं बनाना चाहिए, और शरीर का इंद्रियों का दुरुपयोग भी नहीं होना चाहिए। अन्यथा यदि आपने दुरुपयोग किया तो ऐसे फंदे में पड़ जाओगे, ऐसे बंधन में पड़ोगे कि जीवन भर पछताते रहोगे। ये अंधेरी है विकट, ये जो माया का खेल है संसार का खेल है ये अंधेरा खेल है। ये कोई संसार का खेल कोई जीतने वाला खेल नहीं है ना, हारने का ही खेल होता है संसार में। जैसे आप देखिए बड़े बड़े होटल होते हैं ना विदेशों में होते हैं, नेपाल में भी मैंने देखा जहाँ कैसिनो एक गेम पैसा डाल करके खेलने वाला एक गेम है, वो जुआ की तरह ही है, ताश जुआ की तरह ही है परंतु वो मशीन से चलता है, तो उसमें थोड़ा पैसा डालो तो मशीन से भर 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 करके
खूब पैसा निकलता है, फिर डालो, फिर निकल रहा है। शुरू शुरू में 3-4 बार पैसा गिरता है तो लोगों को जोश चलता है, अरे वाह मेरे को तो मिल रहा है, मेरा तकदीर खुल रहा है। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि सारा डाल देते हैं और उधार लेकर के भी डालते हैं, डालते जाएंगे। बस वो मशीन ऐसी बनी है कि बाद में सब कुछ खा जाएगी, सब कुछ चला जाएगा। तो लोग ऐसे गेम भी खेलते हैं और गेम खेल खेल करके जीवन का कमाया हुआ धन को गंवा देते हैं, ताश जुआ में भी गंवाते हैं बाजी लगा लगा करके। तो ये सब अंधेरा खेल है, इसमें कोई एकाध जीतेगा बोल करके सब नहीं जीतते। जैसे लॉटरी में लोग पैसा डालते हैं ना, तो जीतने वाले तो एकाध कोई होते हैं, बाकी सब हारते हैं, फिर भी लोग खेलते हैं, क्योंकि ये क्या है, अंधेर का धंधा, अंधेर का खेल दुनिया में चल रहा है। उस खेल में सब कोई खेले जा रहे हैं, पर ये विकट खेल है। श्री जी महाराज कहते हैं माया का खेल विकट खेल है, संसार का जो भी तमाशा है ये भी विकट का खेल है। ए जाहिर रची जमजाल, ये यमराज जो जाल रचते हैं ना, ऐसे ही माया का खेल भी यमराज के जाल रचने की भांति ये खेला गया है। और शरीर, संसार और शरीर दोनों को देखो तो ये भी एक जमजाल की तरह ही है, शरीर भी यमजाल है। इसको भक्ति करेंगे तो पवित्र बनेगा, नहीं भक्ति की तो शरीर ही यमजाल की तरह यमपुरी की ओर ले जाने का एक साधन बन सकता है। इसलिए जाहिर रची जमजाल। ए पहले देखावे सुख शीतल, पहले लगता है कि इसमें शीतलता है, इसमें सुख है, इसमें शांति है, ऐसे पहले पहले शुरू शुरू में लगता है। जब खेल शुरू करते हैं तो प्रारंभ में यही लगता है कि ये सुख दे रहा है। जैसे सोने में आप देखिए ना, बिस्तर में सोते हैं तो पहले लगता है कि बिस्तर हमको सुख दे रहा है। सोफा में सोते हैं, आज वो डनलप के अच्छे अच्छे आते हैं ना, उसमें लोग सोते हैं तो पहले लगता है सुख दे रहा है। पर ऐसे मोटे गद्दे, डनलप के गद्दे, ऐसे ऐसे जो गद्दे होते हैं उनमें सोने का ज़्यादा अभ्यास हो जाए तो शरीर में बीमारियां शुरू हो जाती है, फिर कुछ ना कुछ अंग में जकड़न, कुछ और ये सब होता है। इसलिए कोई भी चीज़ पहले मीठा लगता है, बाद में वही परेशान करने वाला भी होता है। इसलिए श्री जी महाराज कहते हैं कि ज़्यादा शरीर के सुख में, संसार के सुख में, चीज़ों के उपभोग में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए उचित। कोई भी चीज़ अनुचित हो जाए वो दुखदाई है, वो रोग बढ़ाता है, व्याधियाँ बढ़ाता है। और जो उचित है, क्योंकि संसार में है तो हर चीज़ का उचित तो प्रयोग करना ही पड़ेगा, खाने का भी, भोजन का भी उचित प्रयोग करना, ऐसे ही कसरत का भी उचित प्रयोग करना। सारा दिन कसरत करते नहीं रहना उचित, कसरत का समय 20 मिनट है, 25 मिनट है, चाहे योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, व्यायाम कीजिए। कोई 3-4 घंटा व्यायाम ही कर रहा है वो भी शरीर का अनुचित प्रयोग हो जाता है। हर चीज़ का, सोने का भी उचित प्रयोग, 5 घंटा सोना है चलो 6 घंटे सोना है तो उचित प्रयोग हो गया, उससे ज़्यादा सोए तो शरीर के लिए नुकसान ही है, शरीर की रूटीन बिगड़ जाती है। इसलिए श्री जी कहते हैं कि हर चीज़ पहले सुख और शीतलता दिखाते हैं, पीछे जाले अग्नि की झाल, फिर वही रोग बढ़ा करके। शरीरम व्याधि मंदिरम कहते हैं ना, शरीर ही रोग का घर बन जाता है। इसलिए इस शरीर से ही अग्नि प्रज्वलित होने लग जाती है। अग्नि क्या है, चिंता रूपी अग्नि, रोग रूपी अग्नि, व्याधि रूपी अग्नि, व्यर्थ चिंतन रूपी अग्नि, ऐसे ऐसे विविध बीमारियाँ इस शरीर से ही उत्पन्न होती है। इसलिए अपनी सोच को सुधारना, विचार को सुधारना, विवेक को सुधारना। बुद्धि तो सबके पास है पर विवेक सबके पास नहीं होता है। हर एक के पास, स्कूल जाते हैं तो बुद्धि तो होती है, पढ़ाई करते हैं, डिग्रियां लेते हैं, तो बुद्धि किसके पास नहीं है, पर विवेक, शिक्षा सबके पास है पर ज्ञान सबके पास नहीं होता है। शिक्षा तो आप स्कूल गए तो शिक्षा मिल जाती है, शिक्षक लोग शिक्षा देते रहते हैं। शिक्षा पाने के बाद ज्ञान हो जाना और ज्ञानी बन करके
सही सही कदमों से चलना, सही दिशा में जाना, सही गंतव्य में पहुंचना, ये हर एक से नहीं हो पाता है, कुछ लोगों से होता है। तो श्री जी महाराज कहते हैं ऐसे मार्ग में आपको चलना है, सर्वसाधारण जिधर जा रहे हैं उधर ही आपको नहीं दौड़ना है। महापुरुष जिस रास्ते से चल रहे हैं, ब्रह्म सृष्टि गोपियां जिस रास्ते से चली, जिस मार्ग से होकर के वे चली, ऐसे मार्ग को हमें चुनना है और उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। तो हमने संसार का खेल अच्छा देखा, शरीर का सदुपयोग किया, जीवन का सदुपयोग किया, श्वासों का भी हमने सदुपयोग किया, अंग इंद्रिय का भी सदुपयोग किया, जीवन सफल हो गया। अंत में खुशी के साथ इस जीवन से हम विदाई होंगे, अन्यथा इसी जीवन के साथ लड़ते झगड़ते दुनिया से जाना पड़ेगा। इसलिए शरीर को नरक होने नहीं देना है, शरीर को परमधाम बनाना है, राज्य का मंदिर बनाना है, ये कार्य हमें करते चलना है। यही आज की चौपाई का सारांश है, जो हम लोग आधा घंटा चर्चा में हम लोग बैठते हैं और इसका फल हम लोग लेते हैं। तो हमारे मंगलधाम में जो भंडारे की सेवाएं आई है, हमारे बीच इंदौर से माताजी सुशीला भंडारी जी पधारी हुई हैं, तो कल उनकी ओर से भंडारा था। कल मैं थोड़ा देर से पहुंचा, पर सब सुंदर भंडारे का कार्यक्रम बहुत सुंदर रीत से हो गया। और कुछ भंडारे में यहाँ पर उपस्थित नहीं था, तो हमारे बीच या मंगलधाम दर्शन करने के लिए मुंबई से आए हुए थे संगीता और भरत भगत जी आए हुए थे, उनके पुत्र पंकीन और समीर, ये सब परिवार की ओर से यहाँ पर भंडारा हुआ, उनको भी मंगल बधाई देते हैं। और सिकंदराबाद से हेमंत चौहान, उनके जन्मदिन के अवसर पर उनकी धर्मपत्नी माया और पुत्र नमन की ओर से भी भंडारे की सेवा आई, उनको भी मंगल बधाई देते हैं। तो आज के दिन जो सेवा आई है, ये सुबह नाश्ता और दोपहर का राजभोग, सायंकालीन तीनों टाइम का ये भंडारा है। ये दिवंगत नोप छिरिंग भुटिया जी हैं, उनकी तीसरी वार्षिक तिथि है, तो उनके पुत्र सांगे छिरिंग भुटिया पेदुंग कालिम्पोंग की ओर से ये सेवा प्राप्त हुई है। गतात्मा को श्रद्धांजलि और परिवार के सभी सदस्य को मंगल बधाई। और आज ही के दिन परमधामवासी महावीर प्रसाद चाचान और उनकी धर्मपत्नी बिमला देवी, पुत्र बसंत राजेश, पुत्र वधु नीतू सीमा, सपरिवार के ओर से महावीर जी के नाम से यहाँ पर भंडारा है। वो भी बड़े सेवा भावी सुंदर साथ थे, उनकी भी आत्मशांति के लिए प्रार्थना और सपरिवार को मंगल बधाई देते हुए, सभी सुंदर साथ को फिर से मंगल बधाई देते हुए आज की इस चर्चा को यहीं विराम देने जा रहे हैं। जय जयकार के साथ बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। ए अंधेरी है विकट, ए जाहिर रची जमजाल, ए पहले दिखावे सुख शीतल, पीछे जाले अग्नि की झाल, पीछे जाले अग्नि की झाल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की, प्रणाम।